बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बीबीसी 11 हेडलाइंस न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सबा मुनीर। आपको अपडेट करें कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डस्का का दौरा किया और पोलिंग के अमल की निगरानी की। इस मौका पर उनका कहना था कि उम्मीद करती हूं कि आज सारा दिन वोटर्स को पूरा अमन माहौल मिलेगा और पोलिंग का अमल बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगा। 75 से गुजारिश है जी, आज घरों से निकलें, बिला खौफ खतर निकलें, अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन में जो हुआ, जिन अफसरान ने अपने बरती वो अपने सजा पा चुके हैं। और आज उम्मीद करती हूँ कि इदारे लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखेंगे और डस्का की आवाम को तहफ़ फराहम करेंगे। मेरी आज इतनी गुजारिश है डस्का से कि अपनी जमीर की सुने, घरों से निकलें और जल्दी अपना वोट कास्ट करें, ताकि हमारी ये कामयाबी आज पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए एक सबक भी हो और इस नायब हुकूमत को घर भिजवाने के लिए सबसे पहला कदम आज डस्का की तरफ ही हो। डस्का की आवाम को इख्तदार के लालच के लिए पिछले इलेक्शन में जिन तकलीफों से गुजरना पड़ा, आज मैं यही होप करती हूँ और यही उम्मीद है कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्शन आवाम के लिए है और उनको वोट पास करने का राइट जो आज ईसीपी ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चाहती हूँ कि पीटीआई आज इज्तनाब करे और आवाम को उनका हक इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया। के दूसरी जानिब सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने इलेक्शन के दिन घर से रवाना होने से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। और आई होप कि यही इंतजाम जो है वो 5 बजे तक रहे और हर वोटर वोट कास्ट करे। अल्लाह करे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो आज डस्का में है कोई ऐसी चीज प्रिवेल ना करे जिससे किसी को भी नुकसान हो, किसी भी जान का नुकसान खुदा ना खास्ता अवॉइड रहना चाहिए आज। और मेरी इंतजामिया से यही दरख्वास्त है ये लोगों का ख्याल रखें, NA75 की आपने रात को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीफ इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा था, तो क्या उसका आपको कोई जवाब मौसूल हुआ? सर जवाब मौसूल बिल्कुल हो गया, उन्होंने फॉरवर्ड भी किया। और लेकिन आज जो है आज सिर्फ मैं एक ही जो है चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी, वोट का पहरा दूँ। अब आज सिर्फ मेरा ये ड्यूटी है कि जैसे मैंने पिछली दफ़ा वोट का पहरा दिया, आज भी मैं अपने रिजल्ट का, अपने वोटर का और अपने वोट का पहरा दूंगी। बाकी सब चीज़ें अल्लाह ने आज हिफाजत करें, मेरे तमाम मैंने पूछे। सर मैंने बता दिया है कि अभी स्टार्ट ऑफ अ डे, अभी चीज़ें बेहतर लग रही हैं और यही ख्वाहिश है कि शाम तक यही है। मैडम सुना है कि पिछले इलेक्शन की तरह लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, क्या वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे? देखा है यहाँ पे टर्न आउट है, लोग आना शुरू हो गए हैं और लोगों से अपील है कि वो बगैर डरे निकलें, क्योंकि आज हर एक जो डस्के का रिहायशी है वो नौशीन में था। थैंक यू।